यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच। यानी सोमवार को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बांद्रा पश्चिम के कांग्रेसी प्रत्याशी जीशान बाबा सिद्दीकी द्वारा इलाके के लोगों को पैसे बांटने की शिकायत चुनाव आयोग से की गई, जिसके बाद रविवार रात 10 बजे के दरमियान चुनाव आयोग की टीम ने पुलिस के साथ बांद्रा स्थित पाली स्थित मकबा बिल्डिंग में सर्च किया। बता दें कि कांग्रेसी पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने अपने बेटे जीशान को कांग्रेस के टिकट से चुनाव मैदान में उतारा है। शिकायतकर्ता इश्ताक जागीरदार ने बताया कि पैसे बांटने की जानकारी मिलने पर चुनाव आयोग से शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस की टीम के साथ चुनाव आयोग के लोग यहां पर मुआयना करने आए और पंचनामा कर लौट गए। बांद्रा के ही एक अन्य प्रत्याशी इश्ताक जागीरदार की शिकायत पर चुनाव अधिकारी ने बाबा सिद्दीकी यानी जीशान बाबा सिद्दीकी के घर पर सर्च किया। बाबा सिद्दीकी ने इसका विरोध किया। इन्होंने सर्च वारंट ना होने के कारण अपना मकान या अपनी पर्सनल जगहों को सर्च करने से फिलहाल मना कर दिया। चुनाव अधिकारी ने पुलिस की टीम के साथ काफ़ी समय तक पूरी तरह से छानबीन की, मगर जानकारी के अनुसार अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ बरामद नहीं हुई है, ना ही पैसे मिले हैं। फिलहाल पुलिस और आयोग की टीम ने पंचनामा कर बाबा सिद्दीकी के घर और जीशान सिद्दीकी के आसपास के अहाते का सर्च किया और लौट गए। फिलहाल किसी भी तरह की कोई जानकारी या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मिली है जिसके ऊपर जो है किसी तरह से आयोग अपना शिकंजा कस सके। फिलहाल बाबा सिद्दीकी से कई बार बात करने के बाद बात नहीं हो पाई है, लेकिन मामला अभी भी बांद्रा पश्चिम में काफ़ी गहमा गहमी का बना हुआ है। मुबारक शेख, मुंबई। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज 18 पर वीडियो सहित पूरी डिटेल देख सकते हैं और हमारे जी न्यूज 18 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।